रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ये नाशपाती वगैरह ज्यादा आएगी ना, आप इसकी डिमांड कब होगी? सरों में इसका रेट काफी अच्छा रहता है, जब किसानों तोड़े नहीं होते जी, ये चक्कर में अब उठाओ नहीं है, अब उठाओ कम रह गया जी, जो एक बार चार डाल लेता है वो दोबारा तो डालता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है जी। हाँ तो इसका इसका उठाव बिल्कुल कम है। ये फूल गोभी और शिमला, ये हिमाचल का माल है जी। हाँ जी, हाँ जी, सोलन का एरिया, सोलन साइड का जी। बहुत बहुत जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को बेहतर समझने के लिए वीडियो की शुरुआत में सब टाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको रेट समझने में आसानी रहेगी। अगर आप एग्रीमंडी चैनल के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो में विशेष जानकारी आपके लिए। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है बुधवार और तारीख 31 जुलाई 2024। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री, मंडी का माहौल कैसा रहा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 10-11 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग भी है, जिसमें आज लहसुन के बाजार भाव का माहौल साझा करेंगे। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं, हमारी मेहनत की सफलता इसी में है। आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले जानेंगे फलों का बाजार भाव और जानकारी लेंगे आरती भाई श्री जितेंद्र मलिक जी से। नमस्कार जी। नमस्कार भाव जी, आज करनाल मंडी में फलों का कैसा बाजार रहा जी? फलों का बाजार का आज उठाव नहीं है, उठाव कम है जी, उठाव कम है, आवक ठीक ठाक थी, आवक कम है। शिवरात्रि का जो सभी शिवरात्रि पे गए हुए हैं। हाँ जी, कावड़ लेने गए हुए हैं। हाँ सर, कावड़ के चक्कर में इधर ग्राहक ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है। भाव जी, आम की बात करें, आम का क्या बाजार चला जी आज? आम का बाजार ये बिके हैं चौसे लंगड़े, ये बाजार 30-40 रुपए के आसपास रहा है, पर उठाव नहीं है, उठाव बहुत कम है, उठाव नहीं है। ये कौन सा भाव जी? ये चौसा है, चौसा जी, ये बिके नहीं है आज, ये बैलेंस रह गए जी। हाँ, ये बैलेंस रह गए हैं, बिके नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और भाव जी, अमरूद का क्या कुछ बाजार चल रहा है जी? अमरूद का बाजार यही चल रहा है, 100 रुपए ग्रेड से लेगा 900 रुपए ग्रेड तक बिक रही है, क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया माल है आज इसकी जैसी है जी। जी जी जी। और इसके अलावा जी, नाशपाती भी खूब चल रही थी आज? नाशपाती भी ठीक चल रही है, जो नॉर्मल नाशपाती है 14-15 रुपए किलो चल रही है, अच्छे वाली 20-25 रुपए चल रही है, अच्छे वाली 20-25। और ये बाबू जी, लोकल बब्बू कौसा है जी, छोटे क्रेटो में बाबू? तो ये चाइनीज है, ये बिकता है तकरीबन 40-45 रुपए किलो, 40-45 रुपए किलो। सफाई तो बहुत जबरदस्त है बाबू जी, इसकी चमक भी अच्छी है। अब ये नाशपाती वगैरह ज्यादा आएगी ना, आप इसकी डिमांड कब होगी? सरों में इसका रेट काफी अच्छा रहता है, शुरुआत में रेट अच्छा था जी। हाँ बाबू जी, एक रामकेला आचारी आम है जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए जी। ये शुरू हुए ना, इसका तकरीबन इसको एक महीना हो गया है, एक महीना हो गया जी। शुरू में रेट अच्छे थे, 35-40 रुपए के रेट थे, जब किसानों तोड़े नहीं होते जी, ये चक्कर में। हाँ जी, हाँ जी। अब उठाव नहीं है, अब उठाव कम रह गया जी, जो एक बार चार डाल लेता है वो दोबारा तो डालता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है जी। हाँ तो इसका उठाव बिल्कुल कम है, और इस टाइम 20-25 रुपए का रेट है, 20-25 का जी। अब बाबू जी, कब तक चलेगा जी आगे? चलेगा ये वैसे तो लास्ट ईयर पर है, अब तक और चलेगा, अब तक और चलेगा जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने फलों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम? मलिक फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 611, मोबाइल नंबर 94163-62263। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। भाइयों, एग्री मंडी टीम को जरूरत है एक ऐसे ओनहार एंकर की, जो कि हमारे रमेश जी की तरह हर रोज मंडी भाव के लिए एंकरिंग कर सके, और इसके अलावा उसको खेती और मंडी से जुड़ी जानकारी हो। अगर आपके अंदर यह काबिलियत है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कुछ अन्य फलों के भाव इस प्रकार से देखे गए। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 1000 से 1050 रुपये कट्टा। मौसमी 3 नंबर 4 नंबर माल 550 रुपये से लेकर 650 रुपये, एक कट्टे में 20 किलो मौसमी होती है। अनानास का बाजार 30 से 32 रुपए किलो। केला क्रेट 10 से 12 दर्जन 450 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 600 रुपए। इस तरह का माल 250 रुपए से लेकर 350 रुपए क्वालिटी के हिसाब से बिका है। एक डब्बे में 6-7 किलो सेब होते हैं। पपीते का बाजार 30 से 35 रुपए किलो। आलू बुखारा 300 रुपए से 350 रुपए डब्बा। कुछ बकाया फल और सब्जियां रहती हैं, उनके भाव की जानकारी लेंगे आज आरती भाई दलबीर मान जी से। भाव जी नमस्कार जी। नमस्कार जी।
राव जी, आज करनाल मंडी में फल सब्जियों का कैसा क्या कुछ बाजार है जी, कैसा माहौल है, ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी ठीक है जी, गर्मी का माहौल है। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है भाव जी आज। बिल्कुल भाव जी, आम आया जी अपने पास आज, आम 10 रुपए से लेकर जी कोई 20 रुपए, कोई 18 रुपए, ये जैसे ये बिक रहा है 12-15 रुपए। ये कौन सी कौन सा है भाव जी? ये कील है जी, कील है जी, ले जा रहे टूटी है। और ये कौन सी वैरायटी भाव जी? ये चौसा जी, चौसा जी, हाँ जी, चौसा बड़ा शानदार पके, पीड़ा पीड़ा। ये टपका है 25 से 30 रुपए भी का। अच्छा, ये चौसे का टपका है जी, और चौसे के बढ़िया माल क्या रेट बिक रहे हैं जी भाव जी? 33 रुपए, 33 रुपए जी। और ये कौन सा आ गया बाबू जी? वैरायटी तो कई आ रही है आम की। हाँ जी, हाँ जी, ये भी क्या 20-22 रुपए, 20-22 रुपए जी। ये कौन सी है जी वैरायटी? ये किस्म है जी, किस्म आम की बाबू जी है ना, एक ये तो दे ना, तू खाली कर। मैं तो इस वक्त रहा हूँ, तो ऐसा छोटा छोटा आ रही है, तो ऐसा बड़ा बड़ा आ गया, तू पलट ले कितना खाली। ये किस्म वैरायटी है बाबू जी? हाँ जी, हाँ जी, किस्म। मैं सोच रहा था जी, तो ऐसा बड़ा बड़ा हो गया, मोटा मोटा किस्म। अच्छा जी, ये लग रहा है, ये लग रहा है क्या जी? हाँ जी, इसका क्या कुछ? ये भी क्या जी, 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक, 22 रुपए से 25, क्वालिटी के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, वाह जी वाह, क्या बात है, माल ये भी जबरदस्त है। और बाबू जी अपने पास आज हिमाचल वाली फूल गोभी आई जी? हाँ जी, फूल गोभी बिक रही है 20 रुपए किलो, फूल गोभी का बाजार 20 रुपए किलो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, क्वालिटी तो ये फूल गोभी हिमाचल वाली चल रही बाबू जी? हाँ जी, फूल गोभी हिमाचल वाली 20 रुपए किलो बिक रही है, 20 रुपए किलो जी, और 20 रुपए 22 रुपए, 20 से 22 रुपए किलो जी। और बाबू जी इसके अलावा जी शिमला मिर्च आई जी? शिमला मिर्च बिक रही है 30 से लेकर 40 रुपए तक, 30 रुपए से 40 रुपए शिमला मिर्च का बाजार रहा जी। हाँ जी, शिमला मिर्च की क्वालिटी तो अच्छी है बाबू जी। हाँ जी, हाँ, ये भी हिमाचल वाली है जी? हाँ जी, हिमाचल वाली है, ये फूल गोभी और शिमला ये हिमाचल का माल है जी। हाँ जी, हाँ जी, सोलन का एरिया, सोलन साइड का जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने आम के बारे में, सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम जी? दलवीर मान, 94-165-10-555, दुकान नंबर 572, DH फ्रूट कंपनी। धन्यवाद बाबू जी। अन्य सब्जियों का बाजार भाव आज इस प्रकार से देखा गया है। मटर 70 रुपये से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 80 रुपये किलो तक रहा है। टमाटर का बाजार, इस क्वालिटी का माल 700 से 800 रुपये क्रेट रहा है। एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं, और बढ़िया माल भाइयों 1000 से 1050 रुपये क्रेट रहा है। हरी मिर्च 20 रुपये से 22 रुपये किलो। पेप्सी मिर्च का बाजार आज 12 से 15 रुपये किलो रहा। बंद गोभी 28 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो तक चली है। बंद गोभी में धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ चले हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों में बंद गोभी का बाजार 20 से 30 तक पहुंच गया। धनिया 40 से 45 रुपये किलो, धनिया की आवक आज अच्छी दिखाई दी। पालक का बाजार 10 रुपये से 12 रुपये किलो। पुदीना 50 से 60 रुपये किलो। करेला भाइयों 12 से 16 रुपये किलो रहा है। पेठा 8-9 रुपये किलो बिका है। नींबू का बाजार 50 से 60 रुपये किलो। खीरा हाइब्रिड 12 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो, और खीरा पोली वाला इस क्वालिटी का माल 20 से 22 रुपये किलो रहा है। बढ़िया क्वालिटी का खीरा इससे ऊपर रहा है। घिया भाइयों 5 रुपये से लेकर 8 रुपये किलो बिकी है। तोरी का बाजार 15 से 25 रुपये किलो क्वालिटी के हिसाब से। बैंगन 12 से 15, भिंडी 18 से 25, और मूली का बाजार 15 से 20। मूली में ज्यादातर बरसात के चलते मीडियम माल ही दिखाई दे रहा है। 15 रुपये से 16 रुपये किलो। फ्रांस बीन अरबी का बाजार 25 रुपये से 30 रुपये किलो का भाव रहा है। मंडी में माल की आवक और ग्राहकी ठीक ठाक ही कह सकते हैं। बंद गोभी में आज हल्की सी तेजी देखने को मिली। धनिये में आज गिरावट देखने को मिली। घिया का बाजार काफ़ी नीचे आ चुका है। भाइयों, यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग 2। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लहसुन के बाजार भाव के लिए देखें वीडियो भाग 1। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान, व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके।